गर्मी आते ही आम का सीजन शुरू हो जाता है। इस चिलचिलाती गर्मी में इस फलों के राजा को खाने का मजा ही कुछ और है। आम का सेवन कई तरीकों से किया जाता है, जहां कुछ लोग आम का रसीला आम रस पीना पसंद करते हैं तो कुछ लोगों को कैरी से बना आम पन्ना पीना भाता है। बस पसंद बदलते ही इस फल का गुण और स्वाद भी बदल जाता है, चाहे आप आम का अचार चटनी या पन्ना बनाएं, पिए या मैंगो शेक। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो कच्चे और पके आम दोनों के अपने अपने फायदे हैं। तो चलिए यहाँ जानते हैं कि पके और कच्चे आम दोनों में से क्या खाना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। कच्चे आम में पके आम की तुलना में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है और पके आम की तुलना में ये अधिक पाचक है। इससे खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में है। कच्चा आम आपके गट हेल्थ का खूब ध्यान रखता है, माइक्रोबायोम का सपोर्ट करता है। इनमें विटामिन सी हाई होता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, ये क्रॉनिक बीमारियां जैसे कैंसर और हार्ट बीमारियों से भी आपको बचाता है। वहीं पके हुए आम में बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो इस फल को पीला या नारंगी रंग देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति होने से बचाती है। ये पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करता है। इसके अलावा पके हुए आम में पाए जाने वाला कैरोटीनॉइड नामक जरूरी एंटीऑक्सीडेंट शरीर को रोगों से भी बचाता है। पके आम में विटामिन ए की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है जो आंखों और स्किन की हेल्थ के लिए बेहतर है, लेकिन एक जरूरी बात, पके आम में नेचुरल शुगर ज्यादा होता है। कच्चे और पके आम दोनों ही फाइबर प्रदान करते हैं, लेकिन कच्चे आम से ज्यादा फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को मेंटेन करता है। वहीं पके आम में मिठास ज्यादा होती है, जो डायबिटिक पेशेंट्स को इसका सेवन करने से पहले हमेशा डॉक्टर की राय जरूर लेनी चाहिए, जबकि कच्चे आम से बना पन्ना डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फायदेमंद है। कच्चे आम में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है जो आपको लू से भी बचाती है। वैसे दोनों ही आम खाने के अपने अपने फायदे हैं, लेकिन लू जैसी बीमारियों से बचने और डायबिटीज से बचाव के लिए कच्चे आम का सेवन ही ज्यादा फायदेमंद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।